खिलाड़ी जो अकेले मैच पलट दे, भारत के सूर्या पाकिस्तान के रिजवान, वर्ल्ड कप के 10 गेम चेंजर। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के दुनिया की टॉप 16 टीमें तैयार हैं। टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस के साथ आए, वहीं कुछ खिलाड़ी का प्रदर्शन पिछले एक साल में कुछ खास नहीं रहा। आज हम आपको ऐसे 10 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने बल्ले और गेंद से किसी भी मैच का पासा बदल सकते हैं, यानी वे टूर्नामेंट के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वानिदु हजरंगा एशिया कप 2022 के हीरो, श्रीलंका के सबसे बड़े प्लेयर के रूप में नजर आ सकते हैं। एशिया कप में वो दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, साथ ही उन्होंने श्रीलंका के कई मौकों पर रन भी बनाए। 2021 वर्ल्ड कप में वे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। उन्होंने 8 मैचों में कुल 16 विकेट लिए थे। वे अपनी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इनकी ताकत स्पिन बॉलिंग में गति पर नियंत्रण, टप्पा सही जगह पर गिराते हैं, अच्छे फिनिशर हैं, तो वहीं इनकी कमजोरी ऑस्ट्रेलिया में 10.91 की इकोनॉमी में रन देते थे। जोस बटलर, इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर इस साल धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2022 में उनका स्ट्राइक रेट 189.01 कर रहा। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में वे रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पे थे। बटलर ने हाल ही में 9 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में 68 रन की शानदार पारी खेली थी। बटलर की ताकत, बतौर ओपनर पिच पर टिके रहने की सहनशीलता, हर तरह के शॉट खेलने में माहिर है, और इनकी कमजोरी धीमी गेंदबाजी खेलने में परेशानी, लेग स्पिनर्स को खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं। ट्रेड बोल्ट, न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेड बोल्ट अपनी टीम के लिए अहम खिलाड़ी साबित होने वाले हैं। पिछले साल वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। टूर्नामेंट में वे तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर थे। ट्रेड बोल्ट की ताकत, नई बॉल को तेज गति से दोनों तरफ स्विंग कराने में सक्षम, यॉर्कर करने में माहिर, तो वहीं इनकी कमजोरी बाउंड्री पड़ने पर जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं और मोमेंटम खो देते हैं। सॉफ्ट बॉल होने पर पेस, लाइन और लेंथ में परिवर्तन नहीं करते। बाबर आजम, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। पिछले साल वर्ल्ड कप में बाबर टॉप स्कोर पे थे। उनकी परफॉर्मेंस इस समय काफी कमाल की है। बाबर इस साल 132.73 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह खिलाड़ी 138.55 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा संकेत है। बाबर की ताकत, बल्लेबाजी में क्लास है, टीम को अच्छा स्टार्टर देते हैं, स्पिन को भी अच्छे से खेलने में सक्षम, दुनिया में टॉप बल्लेबाजों में से एक है, तो वहीं इनकी कमजोरी बॉल के स्विंग होते ही परेशानी में आ जाते हैं, बड़े मुकाबलों का प्रेशर झेल नहीं पाते। रोहित शर्मा, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कप्तानी के साथ उनकी बल्लेबाजी पर भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं। इस साल उन्होंने 23 मैचों में कुल 540 रन बनाए। अगर ये खिलाड़ी चलता है तो अकेले अपने दम पर किसी भी मैच को बदल सकता है। हालांकि पिछला वर्ल्ड कप इस खिलाड़ी का कुछ खास नहीं रहा। रोहित T20 में क्रिकेट में 4 शतक लगा चुके हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 140.59 का है। ऐसे में अगर इस खिलाड़ी का बल्ला बोला तो भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छे संकेत होंगे। रोहित की ताकत, लेंथ और शॉर्ट बॉल को शानदार टाइमिंग के साथ खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिच इन्हें रास आएगी, तो वहीं रोहित की कमजोरी बाएं हाथ की तेज गेंदबाज के सामने अच्छा नहीं कर पाते। बड़े मुकाबलों में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। डेविड वार्नर, पिछले साल UAE में हुए T20 वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर ने शानदार प्रदर्शन किया था। वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में नंबर 2 पर थे। इस साल अपने घर ऑस्ट्रेलिया में वह टीम को बैक टू बैक टाइटल दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। डेविड वार्नर की ताकत, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अच्छा स्ट्राइक रेट और अच्छी शुरुआत देते हैं, तो वहीं वार्नर की कमजोरी टर्निंग पिच पर स्पिनर्स के खिलाफ परेशान होते हैं। तेज गेंदबाज के बाहर जाती हुई गेंद भी परेशान करती है। मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इस बार T20 क्रिकेट में नंबर 1 बैटर है। 2021 में रिजवान ने अपने बल्ले से 134 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप में वे अपने टीममेट
बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के बाद तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। टूर्नामेंट में उन्होंने 3 अर्धशतक जड़े थे। इस साल भी वे अपने टॉप परफॉर्मेंस में नजर आ रहे हैं। रिजवान की ताकत है कि वो टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं, मैच को फिनिश भी करते हैं। तो वहीं रिजवान की कमजोरी की बात करें तो लोग साइड्स में ज्यादा स्कोर करने की वजह से कैच थमा बैठते हैं, अंदर आती गेंद को खेलने में परेशानी होती है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पिछले समय काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बड़े टूर्नामेंट में जिस तरह से अपनी टीम को गाइड करते हैं और अहम मौके पर बड़ी पारियां खेलते हैं, उसे देखते हुए इस T20 वर्ल्ड कप में फोकस में रहेंगे। हार्दिक पांड्या खराब फिटनेस के कारण पिछले साल नेशनल टीम से बाहर हुए हार्दिक पांड्या ने इस साल फिर जलवा बिखेरा है। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए IPL में अपनी टीम गुजरात को विजेता भी बनाया। उसके बाद टीम इंडिया में वापसी करते हुए हार्दिक पांड्या ने 2022 के 19 T20 मैच में 436 रन बनाए। हार्दिक की ताकत की बात करें तो हार्दिक बल्ले और गेंद दोनों में ही शानदार परफॉर्मेंस चल रहे हैं। वह जरूरत पड़ने पर विकेट भी ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका स्ट्राइक रेट 156 का है। तो वहीं इनकी कमजोरी है कि ये 2021 T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक चोट के कारण गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। उनकी फिटनेस टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी चिंता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में वे 11 की इकोनॉमी से रन देते थे। विराट कोहली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली पिछले 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन इस साल एशिया कप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतक भी लगाया। कोहली का बल्ला T20 वर्ल्ड कप में खूब खेलता है। वो 2 बार 2014 और 2016 में इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुके हैं। वे T20 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट में 76.81 की औसत से बल्लेबाजी करते हैं। T20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी का औसत 50 से भी ज्यादा है। विराट की ताकत की बात करें तो इस समय दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक। गेम को फिनिश करने की ताकत, तो वहीं विराट की कमजोरी है ये आउट स्विंग और लेग स्पिनर के खिलाफ फंसते हैं। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।